नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत और आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। देश में आजादी की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। उसके एक दिवस पूर्व यानी 14 अगस्त को राजधानी भोपाल में शहर के दो टैटू आर्टिस्ट ने 6 घंटे की अथक मेहनत के बाद एक व्यक्ति के शरीर पर 1000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम भारत के नक्शे के रूप में उकेर कर नया इतिहास कायम करने का संकल्प लिया है। टैटू आर्टिस्ट माही पाटीदार और मल्लिका चौहान ने बताया कि वह सबसे कम समय में 1000 से अधिक नामों को लिखकर देश के नाम नया इतिहास बनाने जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के यह नाम उन्होंने शहर के शौर्य स्मारक और आज़ादी आंदोलन के इतिहास से लिए है। आपको बता दें कि शहर के नीरज पाटीदार के शरीर पर आजीवन यह टैटू मौजूद रहेगा। माही पाटीदार पहले भी टैटू बनाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। आपको बता दें कि 59 घंटे 16 मिनट 50 सेकेंड का पहले से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भोपाल से संवाददाता सहूद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं आलोक कुमार, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड कार्ड से। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड कार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व में जो भी नया कुछ काम होता है, हटके काम होता है, उसको जो है लिया जाता है। उसी आज कल 15 अगस्त की 75वां 15 अगस्त मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में माही पाटीदार और मल्लिका चौहान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अनोखा यूनिक तरीका निकाला है। वो एक मैप के रूप में मोर देन 1000 लोगों शहीदों का नाम उस पर लिख रहे हैं। तो इसमें दो रिकॉर्ड आज बन रहे हैं एक साथ। एक रिकॉर्ड बन रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोगों का नाम लिखा जा रहा है मैप के रूप में, इंडिया मैप के रूप में। और दूसरा जो रिकॉर्ड है, जो व्यक्ति रिकॉर्ड जो टैटू बनवा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे टैटूज बनाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे लगने वाले हैं। उसके लिए नीरज पाटीदार का नाम इसके रिकॉर्ड के रूप में आएगा कि मोस्ट टैटूज बनवाने के नाम पे। तो ये अपने आप में वर्ल्ड में इस पर पहले जो रिकॉर्ड है वो बहुत अलग रिकॉर्ड था। इसको नई कैटेगरी में ब्रेक रिकॉर्ड नहीं है, ये नया रिकॉर्ड है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था उसमें 12 वर्ष में 836 लोगों का नाम लिखा गया था, वो भी 12 आर्टिस्ट में। ये केवल दो आर्टिस्ट जो है इनकी प्लानिंग में 6 to 8 आवर्स में ये मोर देन 1000 लोगों का नाम लिखेंगे। हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रखी थी। लास्ट लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन से पहले हम सोच रहे थे कि इसे बनाया जाए, पर लॉकडाउन की वजह से हम बना नहीं पाए। इसमें हमने इंडियन मैप में 1000 से ज़्यादा शहीदों के नाम के टैटू इसमें रखे हैं। हमारे मतलब हमारे देश के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में ये रखा गया है। ये नाम कहाँ से निकाले, कैसे कलेक्ट किया? हम लोगों ने कुछ अपने शौर्य स्मारक से लिए हैं और जो पुलवामा अटैक है वहाँ से उसके जो लिस्ट हैं सारी, वो सब हमने कलेक्ट करी एंड देन हमने उसे इसमें शामिल किया है। और हम लोगों ने इसको मतलब 1100 नाम के टैटू जो हैं, 1000+ नेम के टैटू जो हैं, उसे बनाने का ये सोचा था कि मतलब जिसे टैटू बनाया जा रहा है उनके ऑलरेडी ये था कि हम देश के लिए इस टाइप का कुछ बनाएं, जैसे फ्लैग है या भारत माता है। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकाले कि हम लोग किस टाइप से क्या कर सकते हैं, देन हमने फाइनल किया, कुछ कॉन्सेप्ट लगाए एंड देन इसको प्रिपेयर किया गया। कितने समय में आपका ये अभियान जो है पूरा होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है? हम सोच रहे हैं कि 6 से 8 घंटे में इसे कंप्लीट किया जाए। अब ये उनका जो शरीर है उसको परमानेंट रहेगा या इसको मिलेगा? नहीं, ये परमानेंट टैटू है। इससे किस किस्म की कोई तकलीफ शरीर के ऊपर? नहीं, इस टाइप का तो मतलब हल्का सा पेन होता है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी मटेरियल है टैटू का, वो सारा फ्रेश यूज़ किया जाता है, वो किसी और के ऊपर यूज़ नहीं किया जाता। दोबारा आप लोग कोई रिकॉर्ड बना चुके हैं?
माही पहले एक रिकॉर्ड बना चुके हैं, लॉन्गेस्ट टैटूइंग मैराथन माही का एक रिकॉर्ड है जो कि 59 आवर्स 16 मिनट 50 सेकंड का उसने लगातार टैटू बनाया है, 3 रात 3 दिन उसने लगातार टैटू बनाए हैं एंड उसका उसका रिकॉर्ड। थैंक यू। नाम एक कीर्तिमान बना चुके हैं, दूसरा कीर्तिमान रश्मि। पहले तो ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा अवसर मिला कि ये रिकॉर्ड बनाने को मिल रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी के ऊपर ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और 15 अगस्त का दिन है कल, तो उससे पहले एक दिन पहले इंडियन आर्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग शहीद हुए हैं और उनके लिए टैटू बनाया जा रहा है। जो टैटू बना रहे हैं वो उनके नाम का टैटू है, जैसे जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम का टैटू है। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि उसी नाम से पूरा इंडियन मैप बना है, बाकी इंडियन मैप दिखाना है तो बता है। ठीक है, फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे केकेआर न्यूज़ के साथ और देखते रहे केकेआर न्यूज़, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।